नमस्कार, मैं पवन कुमार बलात्कार की बात शाम को 9 से लेकर 10 बजे की बात आज आपके समक्ष पेश करवा रहा हूँ। वो इसलिए करवा रहे हैं कि आज बहुत बड़ी एक निंदनीय घटना सामने आई है, पूरे देश के साथ में सामने आई है, पूरे राजस्थान के साथ में सामने आई है, और यहाँ तक की अगर बात की जाए तो पूरे जयपुर शहर के साथ में सामने आई है। आपको बता दें कि ब्रह्मवंशीय ब्राह्मण समाज एक वो समाज जिस समाज की कल्पना समाज के जयचंदों के द्वारा की गई थी, और एक ही उम्मीद और आशा लगाई गई थी कि समाज के अंदर कहीं भी अगर किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है, समाज के अंदर किसी प्रकार का बर्ताव किया जाता है, तो उस बर्ताव के अंदर हम लोग साथ में हैं, पूरा समाज आपके साथ में है, पूरा समाज के साथ में, समाज का दृष्टिकोण भी आपके साथ में है, समाज की संभावनाएं आपके साथ में हैं। यहाँ तक की बात की जाए तो समाज का हर एक वो तबका जो बरगंशी समाज से बिलोंग करता है, पूरा समाज आपके साथ में है। ये बातें कई बार चलती रहती है, और कई बार मीडिया के अंदर भी आप देखते हैं, टीवी चैनल्स में भी आप देखते हैं, पत्र पत्रिकाओं में आप देखते हैं, सोशल मीडिया पर भी आप देखते हैं, इलेक्ट्रिक मीडिया में भी आपसे आप लोग जो है देखते हैं, लेकिन आज एक विडंबना बहुत बड़ी साबित हो चुकी है। वो इसलिए हो चुकी है कि इस विडंबना का अगर अंदेशा लगाया जाए तो ये सबसे बड़ी विडंबना जो साबित हो रही है वो हो रही है बरगुंशीय ब्राह्मण समाज के साथ में हो रहा बच्चों के साथ में बलात्कार। मैं आपको बता दूं कि आज मैं इस समय है चीफ मिनिस्टर ऑफिस कार्यालय के जो सामने हूं, और वहीं से मैं आपको कवरेज पूरी दिखा रहा हूं। वो मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि एक विडंबना, एक जिसे कहते हैं कि दिल की जो दर्द देने वाली घटना आज जो सामने आ रही है, वो घटना मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। उस पेश करने का कारण केवल एक ही है कि आज अगर हमारी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार के मामले जो समाज में सामने आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि आज से करीबन एक महीने पहले चूरू के अंदर, राजगढ़ के अंदर एक घटना सामने आई थी, जिस घटना का मैंने विरोध किया, और उस घटना का विरोध करने के बाद बहुत बड़ा एक्शन साबित हुआ। और ऐसी ही घटना आज परबत्सर के लाडोली गांव के अंदर भी सामने आई, जिसके अंदर ऐसा मामला सामने हुआ कि दो बच्चों के साथ में बलात्कार होने के बाद में, और वो बच्चियाँ कौन थी मैं आपको बता दूँ, वो ऐसी बच्चियाँ जिनके माँ बाप नहीं हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, और जिन बच्चों के ऊपर किसी का हाथ नहीं है, उन बच्चों के साथ में बलात्कार का मामला आज सामने आया। सामने होने के बाद में भरगू सेना राजस्थान के जो है जितेंद्र शर्मा जी जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी पूरी मेहनत लगाई, मैंने आवाज़ जनता की न्यूज़ 24 की तरफ से भी मैंने पूरी मेहनत लगाई, हम लोगों ने जांच पड़ताल की, हमारे सामने डिप्टी जो मकराना के हैं सुरेंद्र सिंह जी से हमारी बात हुई, और बात होने के बाद में ये मामला सामने भी आया कि उन्होंने ये बताया कि हम लोग जो है आपको आश्वासन देते हैं कि हम लोग इसकी जाँच पड़ताल हमने शुरू कर दिए, ट्रेसिंग हो चुकी है, मेडिकल भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। लेकिन समझ में यह नहीं आ रहा है कि इतने समय बाद भी घटना 8 दिन पहले की घटना होने के बाद भी आज तक जो है ये मामला सामने क्यों नहीं आ पा रहा है। सबसे बड़ी विडंबना ये हमारे सामने साथ में आती है। अब मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात क्या है। सबसे बड़ी बात इसमें यही सामने आती है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद में क्यों समाज जो है जागृत नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस समय सचिवालय के सामने हूं, सचिवालय में लाइटें जो है बिल्कुल जा चुकी है, गुल हो चुकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो वीडियो है वो वीडियो बिल्कुल सामने चल रहा है इस समय, और वो वीडियो भी थोड़ा बंद हो चुका है। कहीं ना कहीं अंदाजा लग गया होगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिपोर्टर जो है सामने आ चुका है, और वो कोई संदेश जो है अपना दे रहा है, तो वो वीडियो अभी जो कुछ लाइट जो है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। लेकिन लाइट बंद होने से हमारे विचार बंद कभी नहीं हो सकते, ये विचार हमेशा जारी रहेंगे और रहेंगे, क्योंकि हम लोग जो है समाज के साथ में हैं। मैं एक समाज का प्राणी हूँ, एक समाज का छोटा सा आदमी हूँ, और समाज का छोटा सा प्राणी होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मेरे समाज की हर एक बेटी, जो मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी माँ है, या मेरी रिश्तेदार है, उसके लिए मैं लड़ूं। और अगर मेरी बेटी बहन के साथ में इस प्रकार का मामला अगर सामने आता है,
तो मैं उसके लिए बिल्कुल लड़ाई जो है उसको लड़ने के लिए मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ है, मतलब मैं पूरे समाज में उम्मीद करता हूँ मेरे समाज की कि मेरा समाज मेरा साथ दे। लेकिन विडंबना का विषय यह भी है कि मेरा समाज मेरा साथ नहीं देगा। मैं आपको बता दूं कि COVID-19 की महामारी के समय जब मैंने समाज के सामने एक मैंने एक प्रस्ताव रखा कि मुझे इस समाज के सामने ऐसी चीज़ों को लाना है जिसको हमारे समाज की ज़रूरत है, लेकिन वो चीज़ सामने नहीं आ पाई। और सामने आने से पहले सबसे बड़ी विडंबना ये मेरे सामने खड़ी हो गई कि मेरे समाज के कुछ लोगों ने मेरे घर पे आके मेरे साथ में बदतमीजी की। उन्होंने मुझे ये बताया कि पवन जी आप हमारे लिए पोस्ट मत डालिए, क्योंकि हम हमारे समाज के काम कर रहे हैं, लेकिन हम समाज का सेवा कर रहे हैं, हम समाज की सेवा जो है समाज सेवा के तरीके से नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय है। और आज विषय इस बात का है कि अगर हमारे समाज की किसी बहन या बेटी के साथ में इस प्रकार की दुर्घटना होती है तो क्या समाज साथ देगा। सबसे बड़ा सवाल मेरा आप इस भगवंशी समाज का आपके सामने ये बहुत बड़ा प्रश्न है और आगे भी रहेगा। अब मैं आपको बता दूं कि आज परबत्सर के अंदर राडोली गांव के अंदर जो घटना हुई, वो घटना के अंदर हमने पूरा संज्ञान लिया है, हमने पूरा प्रसंज्ञान लिया है, हमने अपनी हमारी आवाज़ जो है आज तक आगे तक पहुंचाई है और हम पहुंचाते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि इतनी बात पहुँचने के बाद में भी मेरे डिप्टी मकराना से मेरी बात हुई है, उन्होंने यही कहा कि सर हम हमारे लेवल पर जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम पूरा जो है इसमें देख रेख कर रहे हैं, पूरा हमारी निगरानी है, दृष्टिगत रखते हुए हम इस केंद्र बिंदु को ध्यान में ले रहे हैं कि इस प्रकार से जो घटना हुई है इसके अंदर जो है किसी गरीब बच्चे को न्याय मिल पाए। लेकिन सबसे बड़ी घटना है वो घटना ये सामने आ रही है, अगर ये घटना 8 दिन पहले हो चुकी है तो 8 दिन बाद में इस घटना का रिजल्ट क्या हुआ। मीडिया सामने जब आती है, जब निष्पक्ष पत्रकारिता सामने नहीं आती है, और निष्पक्ष पत्रकारिता इस समय सामने नहीं आ पाई है, क्योंकि जहां तक हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर राजस्थान पत्रिका ने एक पोस्ट डाली है लेकिन अभी तक किसी मीडिया ने अभी तक ये पोस्ट नहीं चलवाई है। उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं दबाव या कहीं प्रेशर है। आपको बता दूं कि विष्णुदत्त जी जो सीआई थे, थाना इंचार्ज राजगढ़ से सादरपुर थाने से थे, उन्होंने भी एक दबाव के चलते आत्महत्या का प्रयास किया और आत्महत्या उन्होंने कर ली, क्योंकि दबाव जो पॉलिटिकल पड़ता है। और आज जो ये मामला सामने आया, इस राजनीति अलग है, जनता अलग है, सबसे बड़ी बात है सहानुभूति की बात है। तो भगवंशीय ब्राह्मण समाज आज इस समय सहानुभूति नहीं दिखाएगा तो आखिर वो कब दिखाएगा, क्योंकि इस समाज के अंदर, इस भगवंशीय समाज के अंदर कई प्रकार के नेता है, बड़े नेता है, जयचंद है, यहाँ तक कि माना जाए तो इस समाज के अंदर ऐसे कई लोग हैं जो इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रयासरत हैं। वो लोग दिल्ली से लेकर, मैं आपको बताऊं, नजफगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, नजफगढ़, यहाँ तक कि पूरे राज्यों के अंदर वो लोग अपना भरपूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास जो है बिल्कुल जो है आज धरातल पे है। और धरातल की ही बात मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। धरातल पे होने के बाद में समाज के ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा इस फेसबुक लाइव के माध्यम से, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इसका नाम लेता हूँ तो कहीं ना कहीं वो जैसे कल को मेरे घर पर पहुँचते हैं और एक वो मुझे मानसिक तनाव देने की पूरी प्रयास करते हैं, लेकिन उनका नाम नहीं लूँगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर उच्च पदों पर अगर वो बैठे हैं, उच्च पदों पर अपने वो कार्य कर रहे हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि इन बच्चियों को न्याय दिलाया जाए। और सबसे बड़ी बात, बलात्कार की घटनाएँ चल रही हैं, आए दिन होती रहती हैं, और सबसे बड़ी बात भगवंशी ब्राह्मण समाज की जो आज ये विडंबना सामने आई है, इस विडंबना के हकदार जो हैं वो परिवार नहीं है, उस परिवार के साथ में हम लोग शामिल हैं, क्योंकि हम लोग उस समाज को संचलित करने के लिए हम लोगों ने भरपूर प्रयास किए हैं। प्रत्येक घर के अंदर हम लोग चंदा लेके आते हैं, हम समाज के आयोजन करते हैं, हम उन बच्चियों को प्रोत्साहित करते हैं जो बच्चियां 10वीं 12वीं के अंदर टॉप करके हमारे गृह प्रवेश करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना का विषय यह है कि क्या उन बच्चियों के लिए हमने कभी आशीर्वाद दिया,
कि अगर वो बच्चियां किसी का शिकार हो जाती है तो क्या हम उनका सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सपोर्ट आज तक नहीं हुआ या मुझे उम्मीद भी है कि आगे भी नहीं होगा। मेरे पास में फेसबुक पे कई समाज के लोगों के मैसेज आ रहे हैं, कई लोगों के मेरे पास व्हाट्सएप पे चैटिंग भी हो रही है, मेरी बहुत लाइव भी चल रही है, मेरी सब बातें हो भी रही है, वो लोग यही बात करें कि आखिर हम लोग करें कैसे। और करने का सबसे बड़ा एक जो रीज़न है वो यही रीज़न है कि हम लोग जब तक आगे नहीं आएंगे, ये समाज आगे नहीं आएगा, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट कल रिपोर्ट बन के रह जाएगी और ग्राउंड की जो बातें होती है वो ग्राउंड जो है वो ज़मीन जो है मिट्टी के नीचे, मिट्टी के उस परत के नीचे छप कर वो बिल्कुल चुप हो जाएगी। तो मेरा आप सभी लोगों से ये निवेदन है, समाज के हर पक्ष से मेरा निवेदन है कि कृपया आप लोग जो समाज के मठाधीश बन के बैठे हैं, आज बरगुंशी ब्राह्मण समाज की जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर कई संस्थाएं संचालित है, संस्थाएं काम कर रही है, आखिर वो संस्थाएं क्या लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए काम कर रही है? क्या वो संस्थाएं उन लोगों को प्रोत्साहित कर रही है जो समाज के लिए अच्छे के लिए काम कर रहे हैं? मैं मानता हूँ समाज के अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनका दायित्व भी बनता है कि अगर समाज की एक बेटी के साथ में बलात्कार होता है तो उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए लेने के लिए भी उनका दायित्व बनता है। कल को उस बेटी के साथ में बलात्कार हुआ, कल को भगवान ना करे मेरी बेटी के साथ में बलात्कार हो जाए, और ये बहुत बड़ा विडंबना का विषय है हमारे लिए। कल को अगर मेरी बेटी के साथ में बलात्कार होता तो समाज का कौन सा तबका मेरे साथ में आके खड़ा होगा? मुझे पता लोगों को मेरी बातों का बहुत बड़ा बुरा लगेगा कि ये बंदा कह क्या रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा विषय है। इस चीज़ के लिए आपको सोचना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा, इस समाज को सोचना, और समाज जब साथ में आएगा, जब प्रशासन को आंखें जब खुल पाएगी, जब ये समाज एक साथ एकजुट होगा। मैं आपको बताऊं विष्णुदेव जी के मामले के अंदर, विष्णुदेव जी के मामले में जब ये हस्तक्षेप आया तो विष्णु जी का पूरा विष्णु समाज साथ में, तो क्यों आज एक बेटी के लिए भृगुजी समाज सामने क्यों नहीं आ रहा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है आप लोगों के लिए, बहुत बड़ी चेतावनी आप लोगों की। अगर इस प्रकार से ये चलता रहा तो हमारे समाज की बेटियाँ इसी प्रकार से बदनाम होती रहेगी, आप और हम चुप रहेंगे, हमारा समाज बदनाम होगा, हमारा परिवार बदनाम होगा, हमारा देश बदनाम होगा। अंत में इतना कहना चाहूँगा, आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं कहता हूँ मेरा सपोर्ट मत कीजिए, मैं तो एक पत्रकार हूँ, मेरी कोई भूमिका नहीं है, पर पत्रकार की भूमिका इतनी होती है वो खबर छाप देता है, लेकिन मैं एक समाज का बेटा हूँ और समाज के बेटा होने के नाते मेरी यही है, आज मेरी बहन के साथ में बलात्कार हुआ है, आज नावा में मेरी बहन उसके साथ बलात्कार हुआ है, कल को किसी और के साथ बलात्कार होगा, तो आप जब तक निष्क्रिय नहीं होंगे, आप जब तक कदम नहीं बढ़ाएंगे, तो ये समाज ऐसे ही डूबता चला जाएगा। इस समाज को बचाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं, आपकी, और आप लोग मेरा साथ दीजिए, मेरा समर्थन कीजिए। बदलाव निश्चित है, बदलाव ला सकते हैं, बदलाव हो सकता है, उस बदलाव के अंदर आपका सपोर्ट होना, आपका साथ देना, यही हमारे लिए प्यार है, यही हमारे लिए ताकत है, और इसी ताकत का अंजाम हमें इस पूरे देश को दिखाना है। नमस्कार।